स्टूडेंट्स, आज हम EVS में कर रहे हैं एनिमल्स का रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपके लिए लिए हैं बिग एनिमल्स। आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं बच्चों, एक बार इसको समझते हैं। और एलिफेंट है, जिराफ है, बियर है, शार्क है, क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रिच, ठीक है, एंड मैनी मोर। इसके अलावा भी बहुत से एनिमल्स हैं जो कि साइज़ में बड़े होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं बिग एनिमल्स। उसके बाद आते हैं स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स का मतलब, स्मॉल एनिमल्स मीन्स जैसे जो साइज़ में छोटे होते हैं, जैसे बी है, आंट है, हाउस फ्लाई है, स्पाइडर है, बटरफ्लाई है, स्नेल एंड मैनी मोर। इसके अलावा भी बहुत से एनिमल्स होते हैं जो कि स्मॉल एनिमल्स कहलाते हैं। इसके बाद आती है लैंड एनिमल्स। लैंड यानी ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड, जो ज़मीन पे रहते हैं। सच एनिमल्स आर लायंस एंड टाइगर्स, जिराफ, डॉग, कैट्स, और इसके अलावा भी बहुत से एनिमल्स हैं जो कि लैंड एनिमल्स कहलाते हैं। इसके बाद चलते हैं वाटर एनिमल। एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर, जो पानी में रहते हैं। सच एनिमल्स आर फिश, व्हेल, शार्क, क्रैब, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, और इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं और भी कहलाते हैं वाटर एनिमल्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है पेट एनिमल्स। सम एनिमल्स आर कैप्ट एज पेट इन आवर हाउस, दे ऑल्सो हेल्प अस इन मैनी वेज। अ पेट डॉग गार्ड्स अवर हाउस, ये जो पेट एनिमल्स हैं ये हमारे घरों में रहते हैं, किसी न किसी तरह से हमें उनसे मदद मिलती है। जैसे एक पेट डॉग जो है वो हमारे घर में क्या करता है, गार्ड करता है, एक चौकीदार का काम करता है। जब भी कोई अनजान आदमी या कोई हमारे घर के पास भी पहुँचता है तो हमारा पेट डॉग भौंकने लगता है। इसके अलावा बच्चों, डॉग है, कैट है, रैबिट है, और इसके अलावा भी बहुत से एनिमल्स हैं जो कि पेट एनिमल्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है वाइल्ड एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, यानी जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो कहलाते हैं वाइल्ड एनिमल्स। एग्जाम्पल हैं टाइगर है, लॉयन है, चीता है, एलिफेंट है, जिराफ है, और इसके अलावा भी बहुत से एनिमल्स हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। अब बारी आती है डोमेस्टिक एनिमल्स की। डोमेस्टिक एनिमल्स में कौन कौन से, पेट एंड फार्म एनिमल टुगेदर आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। पेट भी होते हैं और फार्म वाले एनिमल्स भी होते हैं, ये कहलाते हैं क्या, डोमेस्टिक एनिमल्स। आगे है मिल्च एनिमल्स, है ना, ये बच्चों पहले करवाया हुआ है आपको। मिल्च एनिमल्स मीन्स सम एनिमल्स गिव अस मिल्क, कुछ एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं। हमारे घर में दूध आता है ना, कहाँ से आता है, वो फैक्ट्री से तो नहीं आता, कुछ एनिमल्स हैं जिनका मिल्क हम यूज़ करते हैं। मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल काओ, बफेलो एंड गोट। इसके बाद है एग गिविंग एनिमल्स, ठीक है। एग गिविंग एनिमल्स में है हमारे सम एनिमल्स गिव अस एग्स, कुछ एनिमल्स से हमें एग मिलता है। एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, एग जो है प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। एग्जाम्पल हैन और डक, हैन और डक से हमें एग मिलता है। आगे चलते हैं बच्चों, मीट गिविंग एनिमल्स। सम पीपल ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, कुछ लोग खाते हैं मांस किसका, एनिमल्स का। दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। एग्जाम्पल जिनका हम मीट यूज़ करते हैं वो एनिमल्स हैं, गोट है, हैन है, फिश है, शीप है, डक है, टर्टल एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह से बहुत से एनिमल्स का मीट खाया जाता है। आगे देखिए बच्चों, हनी, वो हनी जो आप लोग अक्सर खाते हैं, गला ख़राब हो गया, एक हेल्दी चीज़ है ना। तो ये हनी हमें कहाँ से मिलता है, हनी इज़ ए नेचुरल स्वीटनर इज़ गिवन बाय हनी बीज। तो हनी एक कुदरती मिठास वाली चीज़ है जो कि हमें किससे मिलती है, हनी बी से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखो एनिमल्स के कितने यूजेज हैं हमारे लिए ना। वुल, वुल किससे मिलती है, शीप गिव्स अस वुल, ये शीप से हमें
ऊन मिलती है, तो वुल इज़ यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स हम किससे बनाते हैं? वुल से बनाते हैं। मिलती किससे है? शीप से मिलती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्क, वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लोथ्स लाइक साड़ी, स्कार्फ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सिल्क से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये काम रिवीजन का ख़त्म होता है। इस काम को आपको क्या करना है? इस काम को हमें याद करना है। ठीक है, आप चाहें तो इसके पॉइंट्स कॉपी पर लिख भी सकते हैं, लेकिन मेन है आपको ये काम याद करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का काम इतना ही। ओके बच्चों, टेक केयर।